आपको सिर्फ बता दूं इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स में ये जो बेसन है इसमें अजवाइन मैंने डाली है, सफ़ेद साबुत जीरा डाला है, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा मीठा जो खाने वाला सोडा है चुटकी बराबर वो, और हसबे जायका नमक, और कसूरी मेथी जो सूखी कसूरी मेथी होती है इसको हमने, ये मिक्सचर को ये देख लें, ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं समोसा पट्टी जो कि आसानी से अवेलेबल है, आप घर में इसके समोसे भी बनाते हैं, ये देख लें। इसको हम बारीक चॉप करेंगे और बेसन को अच्छी तरह मिक्स करके जो है वो इसके अंदर डिप करके हम डालेंगे। और सबको बहुत पसंद है गोल आलू, गोल कटे हुए आलू हैं, इसकी भी पकौड़े बनेंगे। और सेकंड ये गाजरें, क्योंकि अब सीज़न आउट हो रहा है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये गाजरें हैं। और साथ में एक पूरी गड्डी जो है वो मेथी की है, सो मेथी गाजर बनेगा। अपने ग्लव्स पहन रही हूँ और आज जो है ज़बरदस्त सा समोसा पट्टी पकौड़े बन रहे हैं, और उसके लिए जो समोसा पट्टी है वो मैंने बारीक चॉप करके बिल्कुल स्पगेटी की तरह, ये देखें इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। और साथ में जो बेसन है उसका मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसमें क्या क्या शामिल किया है, इसका रिपीट जो है, रिपीट टेलीकास्ट आएगा, ओके रिपीट टेलीकास्ट इसका आएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त मैं जो पैन है उसमें गड़बड़ होगी नाजीन थोड़ी सी, इसमें लतीफ़ कुकिंग ऑयल जो है वो हमने डीप फ्राइंग के लिए डालना है। ओहो ये देखिए नाजीन कितनी ज़बरदस्त पैकिंग है इसकी, और इसको थोड़ा सा मैं छुरी के साथ थोड़ा सा आपने वो करना होता है, कट लगाना होता है, एंड देन इट इज़ ये देखें परफेक्टली हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड है। और इसको अब हम डालेंगे कढ़ाई में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमने इतना डालना है कि डीप फ्राई इसमें हो जाएं सब पकौड़े ये। अब इसको आपने हाई फ्लेम पे, पकौड़ों की सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ऑयल की हीट होना, हमने इसको फुल तेज़ में इसको गर्म करना है, और उसके बाद लो मीडियम लो फ्लेम बिल्कुल कर देनी है। उसके बाद पकौड़े आहिस्ता आहिस्ता अंदर से भी पकते हैं और बाहर से भी पकते हैं। और साथ में दूसरे पैन में मैं लतीफ़ कुकिंग ऑयल ही शामिल करूँगी, जो कि मुफ्ती साहब आपने कुकिंग आज आप भी थोड़ी सी ये क्या हो गया, ओके नाजीन जल चुका है चूल्हा। और इसके अंदर अब हमने जो हम गाजर और ये बना रहे हैं मेथी, बिल्कुल ताज़ी वाली मेथी जो है एक गड्डी, उसके लिए हमने आधा कप के बराबर इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल डालना है, आधा कप। और उसके बाद इसमें जो प्याज है, दो अदद प्याज बारीक चॉप किए हुए वो शामिल कर देंगे ठंडे ऑयल में, कोई ऐसा नहीं कि गर्म हो, जब आप ठंडे ऑयल में डालते हैं तो जो प्याज है वो पानी नहीं छोड़ता और आपके प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। सो दरमियानी आंच थोड़ी कर देते हैं, और प्याज जो है वो लाल हो गया, मैंने कहा साथ साथ ये भी बता दूँ नाजीन, प्याज लाल हो चुका है। इसमें अब हम ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजरें शामिल कर देंगे, ये देख लें गाजरें, क्योंकि रूट वेजिटेबल्स हैं ये थोड़ी सख्त होती हैं, इसको हमने डाल दिया। और इसके अंदर अब मसाले डाल देते हैं, मैंने लहसुन अदरक प्याज और ये साबुत सफ़ेद ज़ीरे को अच्छी तरह सुनहरा किया, उसके बाद एक टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, हसबे जायका यानी एक टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे क्योंकि अभी इसमें मेथी भी डालनी है, और आधा टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको हमने अब ढक देना है। तीन से चार हरी मिर्चें ये आपने लेके ऊपर डाल दी, मेरी कोशिश होती है कि वो वाली चीज़ें आपको बताऊं और रेसिपीज़ जो कि आम मिल सकें, क्योंकि इस वक्त बहुत महंगाई है, मैं बाकियों की तरह के जूस में ये डाल लें, दूध में सीरियल डाल लें, सॉरी मैं महंगी चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं बताती हूँ, मैं बहुत आम चीज़ें जो कि आपकी सेहत भी अच्छी रखेंगी और आपको भी तरोताज़ा रखेंगी। मैं आपको आज बता दूं कि आज गाजर और मेथी जो ताज़ी मेथी है वो बन रही है, क्योंकि गाजरों का सीज़न ख़त्म होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त इसका सालन बनता है, ये खाएँ, अच्छी चीज़ें खाएँ, सस्ती चीज़ें खाएँ और अच्छे तरीके से बनाएँ। अभी मैंने इसमें प्याज, लहसुन अदरक और ज़ीरे से इसको अच्छी तरीके से मैंने कुक किया था लतीफ़ कुकिंग ऑयल में, उसके बाद गाजरें शामिल कर दी और साथ में मसाले ऐड किए और हरी मिर्चें, थोड़ा सा ये कुक होगा तो इसके ऊपर हमने जो मेथी ये देख लें साफ़ सुथरी आपने धोनी है, मेथी की एक गड्डी जो है ये इसमें डल जाएगी। अच्छा नाज़रीन अब वो वक्त आ गया है जिसमें हमने इसमें
जो मेथी है इसको अच्छी तरह आपने धोना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें ऐसे लगेगा कि बस नीचे गाजरें नहीं हैं, सिर्फ मेथी है ऊपर। इसको आपने डाल के, क्योंकि इसका अपना पानी भी होता है और माशाल्लाह से जो धुल के पानी था थोड़ा सा वो भी गया इसमें, सो ये अब हमने इसमें शामिल किया। अब इसके ऊपर मैंने, जब भी आप पालक या पत्तों वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो ज़रा जो ये क्या कहते हैं इसको, हल्दी है, हल्दी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं एक टीस्पून हल्दी को इस तरह स्प्रिंकल कर दूँगी। एक टीस्पून हल्दी बहुत अच्छी स्पाइस है और इसकी वजह से आपके अंदरूनी जो अगर कोई भी ज़ख़म या कुछ ऐसा होता है तो बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, तो हल्दी ज़रूर हर खाने में डाला करें। इसको हम कवर कर देते हैं। इधर हमारा जो लतीफ़ कुकिंग ऑयल है, नाज़रीन तो बहुत गर्म हो गया, इट इज़ द वेरी हॉट राइट नाउ। इसको थोड़ा सा और ठंडा होना है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रखती हूँ, इधर रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये काम डाउन हो जाए। ज़्यादा बातें करते में गर्म हो गया, ठीक है। ये हमने पानी डाला बेसन में। अब आपको सिर्फ मैं बता दूँ कि इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, बेसन की सबसे अच्छी बात ये, देखिए नाज़रीन ऐसे लग रहा है स्मोक मशीन जो है वो चल रही है प्रोग्राम में। तो इसको आपने ऐसे करना है, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए बैटर, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, मिडिल ग्राउंड में आपने इसको बैटर को बनाना है, यानी दरमियाना रखना है। अभी देखें ये इस वक्त बहुत मोटा है, यानी थिक है अभी। मैंने क्या कहा था आपसे, जैसे ही आपने, मैंने आलू डाले हैं, धुआँ ख़त्म, पैसा आज़म, धुआँ ख़त्म। अब देखें इसी बहाने हमारे साथ ज़बरदस्त से चिप्स भी बन गए, क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स बन गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपने ब्राउन पेपर यूज़ किया करें, जो कॉपियों जिससे कवर करते हैं, अखबार ना इस्तेमाल किया करें, या फिर किचन टॉवल्स मिलते हैं वो ऑब्वियसली हर किसी के पास नहीं होते, तो आप ब्राउन पेपर इस्तेमाल किया करें। बनिस्बत आपने ये देखें, ये हमारे जो क्रिस्पी क्रिस्पी तेल को ठीक करने के चक्कर में एक आलू जो है उसके हमने क्रिस्प से चिप्स बना लिए। अब इसके अंदर, अब देखें धुआँ ख़त्म, पैसा आज़म, ये लतीफ़ कुकिंग ऑयल जो है ये देखें, खुशबू इतनी है इसमें, इस ऑयल में माशाल्लाह से, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आप देख लें, इधर मैंने बैटर बना लिया था, समोसा पट्टी पकौड़े एक्चुअली बन रहे हैं, और इसमें मैंने हरा धनिया भी खूब सारा काट के डाला है। अब आपने क्या करना है, ये देखें थोड़े से आपने इस तरीके से, ये अगर आप देखना चाहें देख लें, ये इस तरीके से हमने थोड़े से इस तरह पकड़े, इसको डिप किया इसमें बैटर में, जो हमारा ये इसका है बेसन का बैटर, इसको ऐसे लिया आपने बहुत ही हल्के प्यारे मुलायम हाथों से साइड से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐसे करके उसको ट्विंग कर दिया, ये देख लें। ये दो चार और कर लेती हूँ, उसके बाद हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुनते हैं हमारे प्यारे नात कौन से। ये देखें नाज़रीन, ये समोसा पट्टी। अच्छा, अब आप नाज़रीन, अब आपको नज़र आ रहे होंगे कि समोसा पट्टी से, ये देखें, अब इनको आपने दरमियानी आंच पे हल्के हल्के कुक करना है। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप लोगों को कोई भी चीज़ इसके साथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट बेसन एंड द मिक्सचर एंड समोसा पट्टी पतला पतला काटना और उसको फिर ऐसे करके आराम से प्यार से प्रिंग करके डाल देना। अब आप देख लें हमारे, ये देख लें, ये समोसा पट्टी जो पकौड़े हैं ना, ये ऐसे दिखते हैं, ये देखें, ये देखें, आज की तारीख में देख लें भाई, ये देखें, ये देखें, ये दिस इज़ इतना क्रिस्प है कि जिनके अगर दांत थोड़े कमज़ोर हैं तो वो टूट टूट सकते। आज ज़बरदस्त से समोसा पट्टी पकोड़े बन रहे हैं, साथ में एक गाजर और मेथी की सब्ज़ी बन रही है, इसमें मैंने जो है ऐड कर दिए थे टमाटर, ऐड कर दिए थे, और ये जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कुक हो रही है। सब कुछ बन गया है, सिर्फ जो मेथी और गाजरें हैं वो अभी थोड़ी सा उसमें टाइम है। आलू के पकोड़े और समोसा पट्टी पकोड़े, ये देखें तरा, ये आप देख सकते हैं, और ये आलू वाले पकोड़े भी देख लें, दोनों मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं। ये हमारे ज़बरदस्त से पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, किधर गया, सॉरी, हाँ, अब समोसा पट्टी कुछ बच गई है, ये देख लें, अब ये बची हुई को हमने फेंकना नहीं है, इसके हम बना लेंगे ज़बरदस्त से क्रिस्पी से। ये आप बेशक चाट के ऊपर भी डाल सकते हैं, ये देखें, ये दो सेकंड में ये फ्राई हो जाएंगे और क्रिस्पी क्रिस्पी आप वैसे खा सकते हैं, या फिर आपने चाट या किसी के ऊपर डालना है।
तो आप तब भी डाल सकते हैं। इसको निकाल लेते हैं नाजीन, ये देख लें, अगर ये वाला कैमरा हमारे कैमरामैन प्यारे से ये वाले दिखा देना, ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी, ये आप अलहदा से चाट में और उसमें इस तरीके से बजाय पापड़ी बनाने के आप ये बना सकते हैं। तो ये हमने ज़ाया नहीं किए, ये अलहदा से एक कॉन्डिमेंट सा बन गया। ये आप उसके ऊपर भी, हलीम के ऊपर भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर कोई भी दालें या कोई भी आप चाट जो है उसके ऊपर भी आप इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा आपका चाट मसाला। एंड आवर रेसिपीज़ आर डन, ये बिल्कुल बन चुकी हैं, ये इधर रख देते हैं, और ये ले चाट मसाला और ये हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा, हमने इस पे पकौड़ों पे भी स्प्रिंकल कर दें, और हमारी आज की डिशेस जो हैं वो ऑलमोस्ट बन गई हैं, सिवाय जो क्या कहते हैं गाजर और मेथी रह गई। और आज जो है फाइनली जो आज की फाइनल डिश थी गाजर और मेथी की जो भुजिया है या उसका सालन है वो बन चुका है। अब मैं आपके सामने उसको निकाल रही हूँ गरम गरम, बिस्मिल्लाह रहीम। ये ले, ये आप चपाती के साथ और मेरे ख्याल में अफ्तार के साथ ही खाना खा लिया जाए तो बहुत ही मुफीद, आप लोगों की सेहत के लिए भी अच्छा है और अदरवाइज़ भी। ये हमने आज की रेसिपी जो है, क्योंकि गाजरें काफ़ी अब अच्छी पिंक सॉरी जो रेड वाली गाजरें अवेलेबल हैं, इसके ऊपर आपने गोल आजकल जो प्याज हैं वो आपने लेके इस तरीके से इसको सर्व कर दें। ये आप खाली भी खा सकते हैं और रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं। सो आप लोगों की कॉल्स भी अभी आ रही हैं, आई एम सॉरी हमें जल्दी से ब्रेक पे जाना पड़ता है माशाल्लाह स्पॉन्सर्स। और आज का कुकिंग सेगमेंट जो है वॉज ब्रॉट टू यू बाय लतीफ़ कुकिंग ऑयल एंड लतीफ़ बनास्पति, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लजीज चीज़ें बनी हैं। और आप देख सकते हैं समोसा पट्टी पकौड़े बन गए, आलू के पकोड़े बन गए, और जो समोसा पट्टी बच गई थी वो क्रिस्पी क्रिस्पी हमने अलहदा से फ्राई कर ली, और साथ में गाजर और मेथी की मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है।